हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम की कुछ ऐसी शॉर्टकट की के बारे में जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इनमें से कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जिस काम में आपको 10 मिनट लगते हैं, आप सिर्फ 5 सेकंड में ही वो काम खत्म कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एंट्री ओपन करता हूँ। अगर आपको ये एंट्री कॉपी करनी है तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से जो है अल्ट 2 प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट 2 प्रेस करोगे तो ये वाउचर जो है कॉपी हो जाएगा और सेम टू सेम आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इसमें कोई चेंज करना है तो आपने इसमें वो चेंज कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले जो है 100 शूज सेल करे थे, बट अब जो है मैं 150 शूज सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसमें 150 लिख देता हूँ और एंट्री को यहाँ से सेव कर देता हूँ। जो भी डेट है वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आपका वाउचर जो है कॉपी होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी शॉर्टकट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरी शॉर्टकट की हमारे होने वाली है पेज अप और पेज डाउन। अगर आपने क्या करना है, एंट्री जो है सीरियल वाइज देखनी है तो आपने सिंपली एक एंट्री पे एंटर प्रेस करना है, उसके बाद आपने जो है पेज अप का यूज करना है नेक्स्ट एंट्री के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पेज अप प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको जो वाउचर नंबर देखने को मिल रहा है वो 6 से जो है वो 7 हो जाएगा। फिर से मैं पेज अप करूंगा तो वो 8 हो जाएगा। पेज डाउन करने से क्या होगा, पेज डाउन से जो है आपका पिछला वाउचर खुल के आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलती वाउचर में हो गई है तो आप पेज अप या डाउन करके जो है उसको चेक कर सकते हो और वहीं से उसको एडिट कर सकते हो। आपको जो है लेजर में जाके एडिट करने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी शॉर्टकट की कि कई बार जब भी हम जो है लेजर अपना एडिट करते हैं तो हमें अपने लेजर के लास्ट में आने के लिए जो भी नाम लिखा है उसके लास्ट में आने के लिए जो है एरो की का यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप लास्ट में आना चाहते हो तो सिंपली आपने एंड बटन जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंड बटन जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो लास्ट में आ जाएगा और इजीली जो है वहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो या फिर जो भी आप चेंज करना चाहते हो। अगर आपको फिर से वापस सामने आना है आगे की साइड तो आपने सिंपली जो है होम प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से, आपका कर्सर जो है आगे की साइड आ जाएगा। उसके बाद अगली शॉर्टकट की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जब भी हम अपना लेजर जो है वो एडिट करते हैं तो जैसे ही हम कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखते हैं तो सारा का सारा हमारा लिखा हुआ जो है वापस हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपका लिखा हुआ भी रहे और आपने उसमें जो है एक दो वर्ड सही करना हो तो आपने क्या करना है, उस पर जो है आके इंसर्ट प्रेस कर देना है जहाँ पे आप अपने लेजर को एडिट करना चाहते हो। जैसे ही आप इंसर्ट प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो है वो नीचे की साइड आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे तो आपका जो है जो भी पीछे की साइड जो है वर्ड लिखे हुए हैं वो बिल्कुल भी अरेज नहीं होंगे और यहाँ से आप उसको जो है इजीली एडिट कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की हमारी होने वाली है टेक्स्ट कॉपी। कई बार हमें जो है अपनी टैली में टेक्स्ट जो है कॉपी या पेस्ट करना होता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को जो है सबसे पहले ओपन कर लेना है। टेक्स्ट ओपन करने के बाद जो है जैसे यहाँ पे नीचे की साइड टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल अल्ट सी प्रेस करना है आपने। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट सी प्रेस करोगे तो ये जो है टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। अब जहाँ पे भी इसको आपने पेस्ट करना है सबसे पहले वो एंट्री ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से वहीं पे आना है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस आपने कर देना है। ये शॉर्टकट की जो है वो टैली प्राइम और टैली ईआरपी 9 दोनों में वर्क करती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो होने वाली है हमारी स्किप। अगर हमें कोई चीज़ जो है स्किप करनी है टैली के अंदर तो आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वाउचर ओपन किया उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डिटेल अभी मुझे फिल नहीं करनी है, इसको आपने स्किप करना है। इसको स्किप करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ से स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको जो है स्किप करने वाला हूँ तो फिर से मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से स्किप कर सकता हूँ। उसके बाद अगली शॉर्टकट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो वो होने वाली है हमारी रिपीट नरेशन। कई बार जो है हम जब भी काम करते हैं तो हमें जो है नरेशन बार बार लिखनी पड़ती है। अगर आपकी नरेशन जो है एक जैसी है, जैसे कि कल आपने मिल्क परचेज किया और आज भी आप मिल्क परचेज कर रहे हो तो कैश पेड फॉर मिल्क दो बार आप लिखोगे, कल की में भी और आज की में भी, तो आपको बार बार जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली क्या करना है, नरेशन पे आके अल्ट आर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप अल्ट आर प्रेस करोगे तो आपकी नरेशन जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे कैश वाउचर में मैंने ये नरेशन डाल ली थी और अगला कैश वाउचर में भी मेरी यही नरेशन आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है। कंट्रोल आर प्रेस करते ही जो भी पिछले वाउचर में आपकी नरेशन यूज हुई होगी वो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बार बार अल्ट आर और कंट्रोल आर का यूज आपको करके बार बार दिखा रहा हूँ, तो आप जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे
इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगली शॉर्टकट की तो अगली शॉर्टकट की हमारी होने वाली है वो है सेलेक्ट करना। टैली में आप जो है अपने किसी भी वाउचर एंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी वाउचर एंट्री को आपने सेलेक्ट करने के लिए सिंपली स्पेस बार का यूज करना है। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपकी जो है एंट्री वो सेलेक्ट हो जाएगी और जितनी चाहे एंट्री आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी एंट्रियां जो हैं आपकी एकदम से सेलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपकी सारी की सारी एंट्रियां जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली शॉर्टकट की तो कई बार हमें जो है अपना लेज़र एडिट करना होता है तो लेज़र एडिट करने के लिए हम अल्टर में जाते हैं, बट आप जो है वाउचर एंट्री के अंदर से भी लेज़र को एडिट कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपनी एंट्री को ओपन कर लेना है, उसके बाद जो भी लेज़र आपने एडिट करना है उस पर आके आपने कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो आप अल्टरेशन मोड में आ जाओगे। यहाँ से जो है आप इजीली अपने लेज़र को एडिट कर सकते हो। उसके बाद अगली शॉर्टकट की हमारी होने वाली है वो है रिमूव। अगर किसी भी एंट्री को आप जो है कुछ टाइम के लिए हाइड करना चाहते हो या फिर उसको रिमूव करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली उस एंट्री पे आना है। उस एंट्री पे आने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल आर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो वो एंट्री जो है यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसका यूज़ जो है हम तब करते हैं जब हमें अपना जो है लेज़र मैच करना होता है किसी के साथ भी, तो जैसे जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपकी एंट्रियाँ जो हैं वो हाइड होती चली जाएंगी। अगर आपको इनको वापस लाना है तो सिंपली आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करते जाओगे तो आपकी सारी एंट्रियाँ जो आपने हाइड करी थी वो आपको वापस से देखने को मिल जाएंगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त आपने जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है जिससे जो है लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।